हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2021 की जो काउंसलिंग चल रही है, डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग, इट्स मींस कि ऑल इंडिया कोटे की आयुष काउंसलिंग को लेकर मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज उसका मॉपअप राउंड का रिजल्ट आ चुका है। तो लास्ट सीट अलॉटिंग क्या रही है और कुछ डाउट्स क्वेरीज आप सभी के कन्फ्यूजन भी आ रहे थे, तो वो मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। पहला कि लास्ट सीट अलॉटिंग क्या है डबल ए ट्रिपल सी में, जो इस बार अभी मॉपअप राउंड हुआ है उसमें क्या है, और दूसरा है किस तरह वैकेंसी राउंड कब होगा, क्या रजिस्ट्रेशन शेड्यूल है, कब आएगा, कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा यार ये है, तीसरे के दो पार्ट हैं। एक तो वो है जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है, तो उनके लिए मैं बोलूँगा सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एकदम 10th 12th आधार कार्ड और आपका नीट स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लो, जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया तो उसको डाउनलोड कर लो, चॉइस फिलिंग हो गई। एक अलॉटमेंट लेटर जब आप डाउनलोड करोगे तो उसमें भी पूरी एक लिस्टिंग दी होती है, तो सब ओरिजिनल लेके जाने हैं, सबके एक एक फोटोकॉपी है ना, और उसके साथ साथ चार आपको पासपोर्ट साइज अपनी फोटो लेके जानी होंगी और सारे सेल्फ वेरीफाइड होने चाहिए। और एक बार आप अपने कॉलेज में ज़रूर बात कर लो कि आपकी फ़ीस कितनी है, कॉलेज की कितनी फ़ीस ले जानी है, DD बनेगी क्या है, तो वो आप जो अपने अलॉटेड कॉलेज में बात करेंगे तो वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। दूसरे वो कैंडिडेट जिनकी यार किस्मत ख़राब थी और उनको अलॉटमेंट नहीं मिली है, तो उनको मैं ये बोलूँगा, कुछ मैं पॉइंट्स और सॉल्यूशन बता रहा हूँ, उस पर आपको फोकस करना, बियॉन्ड दैट आप अभी कुछ नहीं कर सकते हो। पहला ये कि अगर आपकी स्टेट काउंसलिंग अगर पेंडिंग है, अगर आपको थोड़ा बहुत चांसेस लग रहे हैं कि आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अलॉटमेंट हो जाएगा, तो आप इसमें जाके कर सकते हो, अगर आप आयुर्वेदा स्ट्रीम में कर रहे हो या BHMS में कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, अगर आप BHMS में कर रहे हो और आपके एक चांस और मिल जाएगा स्ट्रे वैकेंसी में, जो शिलोंग वाला कॉलेज है उसकी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर जाती होम्योपैथिक की कट ऑफ, तो आप वो मैंने एक पॉइंट इस पर बता दिया, तो उसको भी यूज कर लेना, वो भी आप अगर ऑल इंडिया कोटे में करनी है तो अभी बताऊंगा उसमें क्या क्या पार्टिसिपेट करता है। दूसरा, आप कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको डीम्ड में नहीं अलॉट हुआ है ना, बिकॉज डीम्ड की फ़ीस भी ज़्यादा है, या तो आपको एक सब्सटीट्यूट ऑप्शन देख लो कि आपका क्या सब्सटीट्यूट ऑप्शन हो सकता है। UP का मॉपअप राउंड पेंडिंग है, काफ़ी सारे कॉलेज में सीट्स भी वैकेंट है डीम्ड वालों के लिए बता दूँ, तो अपने यहाँ के प्राइवेट कॉलेज या अच्छी कोई यूनिवर्सिटी आप देख के यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने स्टेट काउंसलिंग की जो मैं बात कर रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे 520 है और मुझे अलॉटमेंट नहीं आई, 515 मुझे अलॉटमेंट नहीं आई, तो उस केस में आपने स्टेट की गवर्नमेंट देखो पहले, अगर गवर्नमेंट नहीं आता है तो फिर आप प्राइवेट के लिए देखो अगर आपका बजट है तो, अगर बजट नहीं है तो फिर आप ड्रॉप करो, अगले साल और मेहनत करो और अच्छा परफॉर्म करो, है ना। अब यहाँ पर मैंने कुछ कट ऑफ्स मेंशन की हुई हैं, जनरल कैंडिडेट की 62,433 तक गई हुई है। मेरी यार थोड़ी सी ये थी जो मैंने कट ऑफ बताई थी, एक काफ़ी एक्सपेक्टेड डेटा था, मुझे लग रहा था 80,000 OBC वाला तो एटलीस्ट टच कर ही जाएगा, या मतलब काफ़ी क्रॉस कर जाएगा, 70 तो क्रॉस कर जाएगा, सॉरी फॉर दैट यार कि 70 नहीं क्रॉस किया, और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहा, बिकॉज ऑलमोस्ट जितना मैं देख रहा था कि BMS का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से बाकी जो बच्चे MBBS देखा करते थे तो उन्होंने एक सब्सटीट्यूट ऑप्शन बना लिया है, जैसे एक टाइम हुआ करता था कि लोग BDS ले लेते थे, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर हैपन हुई और देन कट ऑफ में थोड़ा सा क्लोजर जल्दी से हो गया है, तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं। इसलिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है जिसमें कोर्स वाइज मैंने एक सेफ स्कोरिंग की बात की हुई है, तो उस वीडियो को जरूर देखना। और EWS का 63,428 तक गया हुआ है और OBC का 64,587 तक गया हुआ है, SC कैंडिडेट का 1,77,061 रैंक तक गया हुआ है, ST कैंडिडेट के लिए 2,04,692 लास्ट सीट अलॉटिंग रही है। अगर आपकी स्टेट काउंसलिंग अभी पेंडिंग है तो जाके पार्टिसिपेट करो। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और है कि जो एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसका देखो अभी तक शेड्यूल तो आया नहीं है, वेबसाइट पर अपडेटेड रहना, शेड्यूल विद इन अ वीक आपको मिल जाएगा, हो सकता है थोड़ा डिले मिले तो रिपोर्टिंग आई थिंक 13-14 तक है, तो उसके बाद में या उस लास्ट जो डेट है वहां तक आपको आ सकता है शेड्यूल। एक तो देखो यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेंगी, दूसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी हैं आप सारे कोर्सेज के, मतलब BMS, BHMS, BUMS और बाकी जितने भी गवर्नमेंट वाले होंगे, तो गवर्नमेंट एडेड भी होंगे, गवर्नमेंट भी होंगे, तो उन इंस्टीट्यूट जिनमें जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे उनकी जो वैकेंट सीट होंगी या जो एडमिशन कैंसिल होता है इनकेस, तो उनकी सीट वापस कर दी जाती थी अभी तक, अब इस बार क्या होगा उसके लिए आपको नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा। और एक पॉइंट और लास्ट में है कि शेड्यूल यार बहुत जल्द आ जाएगा, है ना। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ भी डाउट क्वेरीज हो तो टीम से कंसल्ट करो, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, तब तक के लिए बाय बाय।